हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं जो प्लास्टिक तगारा होता है उसे रिपेयर करना बताएंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये दंत कांति का टूथपेस्ट का जो झक्कन होता है ऊपर का बोतल का, वही है हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है, इसमें प्लास्टिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये रिसाइकलिंग के हिसाब से मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसे पेस्ट बनाने के लिए इसमें यूज कर रहा हूँ तगारे के लिए। तो ऐसे आपको स्क्रैच कर लेना है जिस जगह आपको रिपेयर करना है, और उसमें क्रैक रिफिल जैसा इसमें पूरा ऊपर से शोल्डर से क्रैक थोड़ा खुरदुरा बना देना है, और इस तरह से हम इसे थोड़ा अंदर से भी थोड़ा सा खुरदुरा बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी आसानी से इसमें पेस्ट चिपक सके और ये हमारा लीकेज ना रहे, इसकी वजह से इसे थोड़ा घिसाई कर लेना है। सैंडिंग के बाद में इसे थोड़ा रफ सैंडिंग करेंगे, और इस रफ सैंडिंग के बाद में आपको शोल्डर लेना है, आपके पास जो भी अवेलेबल शोल्डर है। ये मेरे पास शोल्डर ऑन कंपनी का 35 वाट का शोल्डर था, तो मैंने इसमें क्या किया, इसे जो जिस जगह अपना पूरा डैमेज हो चुका है तगारा, उसे एक खड़ा शोल्डर लेके उसमें एक लाइन खींच देना है। उससे क्या होगा, जो उसका जो फटा क्रैक है वो उसमें काफ़ी आसानी से पेस्ट चिपक जाएगा। पहले लाइनिंग खींचने के बाद में फिर इस तरह से अभी इससे मोम पोस्ट बना के इसका जो पेस्ट है वो वाइट झक्कन को इसमें शोल्डर लगा के पेस्ट इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको इसी तरह मैं जो लगा रहा हूँ तगारे के ऊपर उसी तरह आपको लगाते जाना है। तो इससे और इसके बाद में सिर्फ ये झक्कन का पेस्ट ही नहीं, फाइबर हम इसका जो तगारे का जो प्लास्टिक था वो मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो मैंने इसमें जो साइड का जो तगारे का पार्ट आता है तो उसका मैंने इसमें प्लास्टिक भी यूज किया है दोस्तों। तो इस तरह ये जो व्हाइट पेस्ट में थोड़ा थोड़ा लगाते जाऊंगा और इसे थोड़ा ऐसे फिनिशिंग देते जाऊंगा, क्योंकि इससे फिनिशिंग से क्या होगा, इसमें जो है उसका जो फिटिंग है काफ़ी मजबूत तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगा और वो एक में आपस में काफ़ी मिलजुल के ये फाइबर वर्क करेगा। तो अब देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ऐसा खरोच दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे खरोचने से ऐसे क्या होगा, इसमें जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छा बैठेगा, और ये साइड का पार्ट जो देख रहे तगारे का वो निकाल के हम इसमें इसी का ही प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका बॉन्डिंग अच्छा होगा। अदर प्लास्टिक इसमें यूज करेंगे तो वो इसमें सेट नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह उसका हम इसमें छोटा सा पीस लेके वही प्लास्टिक का पीस लेके इसमें यूज कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी आसानी से उसमें समा जाएगा और एक इन्वॉल्व होने के बाद में प्लास्टिक में वो काफ़ी अच्छा इससे चिपक जाएगा और हमारा लीकेज रहने का कोई संभावना ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह आप भी दोस्तों, छोटे मोटे प्लास्टिक आपके घर में पड़े हो तो आपके पास शोल्डर हो तो इससे काफ़ी आसानी से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। और मैं इसमें आपको पानी इसमें जो वाटर है इसका ये भी भर के दिखाने वाला हूँ इसका डेमोस्ट्रेशन में, क्योंकि आपकी कोई भी संदेह ना रहे। तो आप इसी तरह इसमें क्रैच मार के इसमें आप प्लास्टिक के पीस लगवा के इसमें भर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से प्लास्टिक इसमें लगा के शोल्डर से आपको इसमें प्रेस कर देना है और अंदर की साइड भी इसे यूज करना है। तो अंदर के साइड भी हमने इसमें थोड़ा सा ऐसे हीट देके अंदर का साइड जो हमारा खुरदुरा था उसी में भी हम इसमें अच्छी तरह से पेस्ट लगा ले रहे हैं शोल्डर की तरह से। और ये थोड़ा इसमें हीट आपको बार बार थोड़ा शोल्डर बंद चालू करना पड़ता है, जो इससे ज़्यादा और हीट से इसमें छेद ना बन जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप इसमें टचअप में रहेंगे इसके प्लास्टिक के तो छेद पड़ जाता है। तो अब इसमें हम पानी डालने वाले बाल्टी में, और आपको इसकी बैक साइड नीचे की साइड से भी दिखाने वाले हैं कि इसमें से पानी लीकेज हो रहा है या नहीं। तो अब आपको इसको ऊपर उठा के ये जार को ऊपर उठा के आपको दिखाएंगे कि इसमें पानी लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नीचे की साइड हम आपको दिखाने वाले हैं, नीचे की साइड से भी इसमें पानी का रिसाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, नीचे की साइड से एक बूंद भी इसमें हमें कोई भी गीली जगह इसमें नज़र नहीं आई। और हमने इसमें बाद में आपको डेमो के लिए इसमें एक जार डाला था और बाद में पूरा पानी इसमें भर के रखा है ये पूरी 12 घंटे के लिए, तो इसमें कोई भी हमें लीकेज इसमें नज़र नहीं आया दोस्तों। तो ये पूरी तरह से हमारा सक्सेसफुल हो चुका है रिपेयरिंग, और इसमें हमें कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं नज़र आया दोस्तों। आप भी इस तरह का वर्क कर सकते दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।